काय आहे तुमच्याकडे सांगा? पाण्याची बॉटल, लिंबू सरबत, चिप, कॅंडी. सबकी ख्वाहिश है बारिश हो जाए. भगवान अब तो सुन लो हमारी बात. तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये ट्रेक आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट से क्यों करना चाहिए. हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. तो दोस्तों, इस समय मैं हूँ गारबेट पठार में. आज मैं आपको लेके जाने वाला हूँ गारबेट पॉइंट. तो गारबेट पॉइंट माथेरान का एक पॉइंट है जो कि बहुत ही खूबसूरत है और उस पॉइंट को आपको ज़रूर विजिट करना चाहिए. आज के वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप गारबेट पॉइंट कैसे आ सकते हो. गारबेट पॉइंट आपको चेक करके आना चाहिए या डायरेक्टली आना चाहिए? गारबेट पॉइंट आने का बेस्ट टाइम क्या हो सकता है? गारबेट टाइम आने गारबेट पॉइंट चेक करने के लिए कितना टाइम आपको लग सकता है? क्या ये ट्रिक इजी है या डिफिकल्ट है? ऐसी बहुत सी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ. तो वीडियो पूरा एंड तक देखना. तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को. गारबेट पॉइंट महाराष्ट्र के रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के माथेरान हिल्स में स्थित है. गारबेट पॉइंट माथेरान का एक पॉइंट है जो कि माथेरान के साउथ वेस्ट साइड में पड़ता है. गारबेट पॉइंट की ऊंचाई समुद्र सतह से लगभग 2625 फीट या कहें 800 मीटर है. गारबेट पॉइंट का बेस विलेज डिक्सल विलेज है. तो गारबेट पॉइंट का ट्रैक करने के लिए आपको जो नज़दीकी रेलवे स्टेशन आना पड़ेगा वो है भीवपुरी. भीवपुरी आप बहुत ही आसानी से मुंबई से लोकल ट्रेन पकड़ के आ सकते हो. अगर आप पुणे से आ रहे हो तो आप क्या आप एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ के कर्जत आ सकते हो, फिर कर्जत से लोकल ट्रेन पकड़ के भीवपुरी आ सकते हो. अगर आप कहीं दूर से आ रहे हो तो आप बेस्ट है कि आप एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ के कल्याण आ जाइए. कल्याण बहुत ही बड़ा रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर बहुत सारी ट्रेनें रुकती है और वहाँ से लोकल ट्रेन पकड़ के भीवपुरी आ जाइए. तो अभी भीवपुरी से इसका ट्रैक चालू होता है. यहाँ से हमको जाना है धूम लेक जो कि यहाँ से ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे पड़ता है. तो मैं आपको अभी सीधा वहाँ पे मिलता हूँ. ट्रैक शुरू करने से पहले गन्ने का जूस पीते हैं, काफ़ी ज़्यादा एनर्जी मिलेगी. भीवपुरी स्टेशन से जब आप चल के आओगे ना डैम के लिए, तो वैसे जो डैम का नाम है धूम लेक, तो आपको यहाँ पे लोगों से पूछ के आ सकते हो. यहाँ तक कि यहाँ के लोग उसको पाली लेक भी बोलते हैं, कोई भीवपुरी लेक भी बोलता है. तो ये सब पूछ के आप आ जाओ और आप यहाँ तक पहुँच जाओगे. जैसे कि आप देख सकते हो ये है गांव, ये है पाली विलेज और यहाँ से हमको हार्डली 5 मिनट थोड़ा ऊपर पहाड़ चढ़ना है, फिर हम लोग पहुँच जाएँगे धूम लेक के यहाँ पर. तो मुझे हार्डली यहाँ पर आने के लिए 10 मिनट लगा है. तो आप भी चल के आओ आराम से. और अगर आप खुद की गाड़ी से आ रहे हो तो यहाँ पे पार्किंग पॉइंट है, मतलब एरिया है यहाँ पे जगह, तो आप खुद की गाड़ी पार्क कर सकते हो. लेकिन ये ट्रैक आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट से करना चाहिए. वो क्यों करना चाहिए वो मैं आपको आगे बताऊँगा. तो दोस्तों, फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं धूम लेक. जैसे कि आप देख सकते हो ये है लेक और अभी पानी थोड़ा कम है इसके लिए, क्योंकि बारिश जोरदार हुई नहीं है. और ये देखिए, ये है माथेरान और ये है गारबेट पॉइंट जहाँ पे हमको जाना है, जो कि अभी बादलों से पूरा घिरा हुआ है. मतलब जब हम लोग वहाँ पे ऊपर पहुँचेंगे तो बादलों के बीच रहेंगे, अगर मौसम ऐसा ही बना रहा तब तक तो. और यहाँ से भी मुझे इस साइड का बहुत ही अच्छा व्यू देखने को मिल रहा है. ये साइड हमको लोनावला देखने को मिलता है और यहाँ से मुझे राजमाची फोर्ट एकदम सामने दिख रहा है. ये यहाँ पर है राजमाची फोर्ट. गोप्रो में नहीं दिख रहा होगा बट एकदम इन्वायरमेंट एकदम क्लीन है, मतलब मौसम एकदम सफा है. दूर दूर के पहाड़ एकदम अच्छे से देखने को मिल रहे हैं, नॉर्मली ऐसा देखने को नहीं मिलता है. तो अभी यहाँ से हमको ये साइड साइड से चल के आगे जाना है. तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये ट्रैक आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट से क्यों करना चाहिए. क्योंकि आज का जो हमारा डेस्टिनेशन है ना, वो है गारबेट पॉइंट. तो गारबेट पॉइंट तो माथेरान का एक पॉइंट है, यानी कि हम यहाँ से चल के जा रहे हैं गारबेट पॉइंट. फिर हम क्या करेंगे, वहाँ से हम जाएँगे माथेरान, वहाँ से टैक्सी पकड़ेंगे, वापस जाएँगे नेहरू स्टेशन. तो अगर आप खुद की गाड़ी से आते हो तो आप जहाँ पर आपने गाड़ी पार्क की है वो गाँव के यहाँ पर, आपको वापस से उतर के
वहीं पे जाना पड़ेगा, यानी कि आपको ट्रैक पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा, चढ़ना भी उतरना भी। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आओगे तो आपको सिर्फ चढ़ना है और टैक्सी पकड़ना है वहाँ जाके और फिर घर पे। इसलिए मेरे हिसाब से आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट से करना चाहिए। बात करूँ तो ये बहुत ही सिंपल ट्रैक है, बेस्ट ट्रैक फॉर बिगनर, और जो मुंबई पुणे में रहते हैं उनके लिए बेस्ट वन डे ट्रैक है। एक दिन में आप इसको आराम से कर सकते हैं और इस ट्रैक पे आपको मानसून में आना चाहिए। मानसून बेस्ट टाइम है इस ट्रैक को करने का, क्योंकि मानसून के टाइम में ये जगह की खूबसूरती एकदम लाजवाब होती है। वैसे अभी तो बारिश ज़्यादा हुई नहीं है, वरना पूरा हरा भरा ही दिखता है। अभी भी हरा भरा दिख रहा है बट ये पूरा हरा भरा दिखता है एकदम। तो मानसून में इस ट्रैक को आपको जरूर करना चाहिए और ये बजट फ्रेंडली ट्रैक भी है, ज़्यादा पैसा आपका खर्चा नहीं होगा। मानसून के समय जब आप इस ट्रैक को करोगे ना तो आपको रास्ते में एक वाटरफॉल देखने मिलेगा जो कि है दीक्षा वाटरफॉल, जो कि ये यहाँ पर है, जो बिल्कुल ही अभी सूखा सूखा है, पानी बिल्कुल नहीं है। इस साल पता नहीं क्या हुआ है, मानसून केरला में टाइम से पहले आया है, यहाँ तक कि मुंबई में बराबर टाइम पे आया मानसून, बट जोरदार बारिश पता नहीं हुई नहीं अब तक। हे भगवान, कब होगी जोर से बारिश, कब? तो वाटरफॉल का वीडियो मैंने बना के रखा है, अगर वो आपको देखने रहेगा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो देख सकते हो। बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल है और यहाँ पे रैपलिंग भी होती है उसकी, ठीक है। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं एक बड़े से आम के पेड़ के यहाँ पे। तो लास्ट टाइम जब मैं यहाँ पे आया था तब मैंने आपको चेक पॉइंट बताए थे, पहला धूम लेक, फिर मैंगो ट्री, फिर एक गांव है सागाचेवाड़ी, उसके बाद फिर ऊपर। तो ऐसे तो अभी कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी तो बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका है ट्रैक, तभी अनफेमस था। और वीकेंड को यहाँ पे बहुत गर्दी होती है, आज सैटरडे है, आज मैं देख रहा हूँ बहुत गर्दी है यहाँ पे, बहुत लोग आए, ठीक है। और वैसे भी अब मार्किंग कर दिया गया इस ट्रैक को, जैसे कि आप देख सकते हो एरो, तो रास्ता अभी कंफ्यूजिंग नहीं रहा पहले की जैसा, सिंपल हो गए। और आपको यहाँ पे गांव वाले मिलते रहेंगे, उनका काम खेती का काम चालू रहता है, तो आप किससे भी पूछ के आ सकते हो। तो आपको कुछ गाड़ी भी हायर करने की ज़रूरत नहीं है, आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे आ रहे हो तभी भी आ सकते हो बिंदास, ट्राई करो वीकेंड में आने का। तो दोस्तों अभी हम लोग पहुँच चुके हैं सागाचीवाड़ी विलेज, जैसे कि आप देख सकते हो ये है सागाचीवाड़ी विलेज, ये रहा गाँव। अगर आप यहाँ तक आ गए तो आपको समझ जाना कि आपका 50% ट्रैक कंप्लीट हो चुका है और आपको अभी ट्रैक कंप्लीट करना है 50%, जो कि है ये पहाड़ आपको दिख रहा है, ये है प्लेटू और ये है गारपेट पॉइंट। तो अभी ये सीधा पहाड़ हम लोग को चढ़ना है। इस ट्रैक का जो सबसे स्टीप पार्ट है ना, खड़ी चढ़ाई, वो यही है, और जो कि लगभग आप बोल सकते हो कि एक घंटे की है ये चढ़ाई। करने के बाद आपको कुछ भी चढ़ना नहीं पड़ेगा ज़्यादा, नॉर्मल वॉक है, और ऊपर पूरा पठार है, वहाँ से एकदम खतरनाक व्यू देखने को मिलेगा। तो ऐसे मानसून में गारपेट प्लेटू बहुत ही खूबसूरत दिखता है, आप विंटर में भी यहाँ पे आ सकते हो और विंटर में आप यहाँ पे कैंपिंग भी कर सकते हो। तो कैंपिंग करने के लिए बहुत से लोग मुझसे नंबर मांगते हैं, तो यहाँ पे नंबर दिया गया है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है नंबर, आप पॉज करके नंबर नोट कर लेना, ठीक है। तो इनसे कॉन्टैक्ट करके आप, अब इनका नाम तो नहीं पता मुझे, यहाँ पे बोर्ड लगाया करके तो मैं आपको बता दूँ करके मैंने सोचा, तो इनसे कांटेक्ट करके आप यहाँ पे सब कैंपिंग कर सकते हो। अगर आपको खाना पीना अरेंज कराना है ट्रैक के टाइम तो भी करके दे देंगे, सब हो जाएगा आपका, कुछ टेंशन की बात नहीं है। काय है तुमच्या कडे सांगा, पाण्याची बॉटल, लिंबू सरबत, चिप, कैंडी। तुझं नाव काय बाला? तुझं? सारिका। सारिका, तुझं काय? विशाल। विशाल, चढ़ाई अभी काफ़ी स्टीप हो गई है, गांव के पास से जो चढ़ाई है एक्चुअल में वही सबसे मेन और खड़ी चढ़ाई है। तो यहाँ पे आप काम कीजिए, पास में चढ़िए, पास में रुकिए, पास में चढ़िए, पास में रुकिए, और इनफ पानी पीजिए जितना हो सकता है आपको, और पानी इनफ कैरी कीजिए।
वैसे यहाँ पर दुकान है छोटी मोटी, वहाँ से भी आप ले सकते हो बट। और आज का जो मौसम है ना, पूरा धूप निकला है, सिर्फ माथेरान के ऊपर मुझे सिर्फ काले बादल दिख रहे हैं, बाकी सब जगह धूप है धूप। तो इसके लिए आज पसीना बहुत ज़्यादा हो रहा है, मुझे उमस बहुत ज़्यादा है आज ह्यूमिडिटी की वजह से। तो अभी चढ़ाई थोड़ी ख़त्म हो गई है और अभी हम लोग क्रॉस होके जा रहे हैं। और रास्ता देखिए ऐसा है कुछ, संभल के आइए। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं गारबेट प्लेटू पे। तो ये बहुत ही बड़ा पठार है जो कि एकदम हरा भरा अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन तो भी हरा भरा है। और पीछे यहाँ पर है गारबेट, यहाँ पर है गारबेट पॉइंट, तो हमको वहाँ पे जाना है। बट पहले मैं आपको थोड़ा यहाँ पे लेके जा रहा हूँ पीछे साइड, यहाँ से कैसा व्यू दिखता है वो सब मैं आपको दिखाऊंगा, और कुछ ड्रोन शॉट्स आपको ड्रोन शॉट्स से भी व्यू दिखाऊंगा, ठीक है। वैसे बहुत ही अच्छी जगह है, यहाँ पर आप आराम से सो के बैठ के खा भी सकते हो, रिलैक्स हो सकते हो, और यहाँ पर कैंपिंग करने के लिए सबसे बेस्ट जगह है। तो अभी मैं गारबेट पॉइंट के एकदम एंडिंग पॉइंट पे हूँ, मतलब इसके आगे तो आप नहीं जा सकते। और गारबेट फ्लैट पॉइंट जो है ये यहाँ पे एकदम एंडिंग, इस साइड में आपको एक अच्छा सा व्यू दिखाने के लिए ले जाए। और यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो ये है ईश्वरगढ़ फोर्ट, ये है मोरबे डैम, ठीक है, और ये यहाँ पर ये है सामने सोटा फोर्ट, और भी है और भी फोर्ट जो इसके पीछे वो दिखते रहे। और इस साइड तो आपको पता है, इस साइड पूरा भीमाशंकर है, गोटलीगढ़ है, ठीक है, तो बेहद ही खूबसूरत नज़ारा दिखाई देता है। और ज़्यादा करके लोग इधर इस साइड आते नहीं है, जा रहे हैं अपने फाइनल डेस्टिनेशन की ओर, यानी कि गारबेट पॉइंट जो कि है यहाँ पर। यहाँ से हमको लगता है आधा घंटा और लगेगा उधर पहुँचने के लिए, थोड़ी चढ़ाई करनी अभी बाकी है, फिर गारबेट पॉइंट से जो व्यू देखेगा वो भी खतरनाक होगा। तो गारबेट पॉइंट की जो असली चढ़ाई है वो शुरू हो चुकी है, जो मतलब जो फाइनल पैच है जो अपने को गारबेट पॉइंट लेके जाएगा वो शुरू हो गया है। और अब तक तो मैं सोलो ट्रैक कर रहा था, अभी एक दोस्त मिल चुके हैं हमको। दोस्त क्या नाम है तुम्हारा? फ्रेडी पार्टी वाला। और ये वसई से है ना? यस, वसई से हैं और जॉब करते हैं, और जब छुट्टी मिलती है तब तो ट्रैक करते हैं, और सोलो ट्रैक करने हैं पहली बात। तो ये आ सकते हैं तो आप भी सोलो ट्रैक कर सकते हो, ठीक है। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है, बस थोड़ी बारिश हो जाए, परफेक्ट हो जाएगा सब कुछ। सबकी ख्वाहिश है बारिश हो जाए, भगवान अब तो सुन लो हमारी बात। अभी की जो चढ़ाई है ना वो थोड़ी स्टीप है, क्लाइंबिंग थोड़ा स्टीप है, और जैसे कि आप देख सकते हो रास्ता थोड़ा सकरा है, एकदम पतला रास्ता है, तो थोड़ा संभल संभल के आए, और अच्छा ग्रिप वाला शूज़ पहन के आए, ठीक है, और एक दूसरे को सपोर्ट करें चढ़ने में उतरने में, घाई बिल्कुल ना करें क्योंकि थोड़ा रिस्की है यहाँ पे, बारिश के टाइम ज़्यादा रिस्की है, अभी तो नॉर्मल लग रहा है। तो दोस्तों अभी हम लोग पहुंच चुके हैं गारबेट पॉइंट पे फाइनली। कैसा लग रहा है दोस्त? मतलब
जो पठार है ना वहाँ से जो पॉइंट है उसके बीच में थोड़ा सा जो पैच छोड़ा जिसके बाकी तो सिंपल पहले। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये माथेरान का एक पॉइंट है, तो ये जो रास्ता है माथेरान को जाता है, इससे पूरी पब्लिक माथेरान ही जा रही है। तो अगर आप माथेरान घूमने आते हो तो ये पॉइंट को विजिट कर सकते हो, या फिर अगर आपको ट्रैक नहीं करना है इस पॉइंट को देखना है तो माथेरान आ जाइए, वहाँ से चल के हार्डली आधा घंटा या 45 मिनट्स लगेगा ये पॉइंट देख सकते हो। लेकिन अगर आपको ट्रैक करना है, ट्रैक के दीवाने हैं, एडवेंचर करना है, ट्रैक करके आइए। हर मानसून बेस्ट टाइम है ट्रैक करने के लिए। थोड़ा नज़ारा देखते हैं और फिर निकलते हैं। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अभी हम लोग जा रहे हैं माथेरान, मतलब जहाँ से टैक्सी मिलती है दसूरी नाका, वहाँ से टैक्सी पकड़ेंगे, फिर जाएंगे नेहरू स्टेशन और वहाँ से घर पे। तो आपको भी ये करना चाहिए, अगर आपको उतर के जाना है वापस नीचे, खुद की गाड़ी से अगर आपको आओगे तो आपको उतर के जाना पड़ेगा। बेस्ट है कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करो, ठीक है। तो चलो फिर अभी चलते हो, जल्द मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप ट्रैवलिंग, कीप एक्सप्लोरिंग।